ने बताया आपको नीम के बारे में कि नीम के गुण कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो आपने सुबह सुबह देखा होगा ग्रामीणों को कि लोग क्या करते हैं, नीम की दातुन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उनको उस नीम के जो दातुन होती है उसमें से एक द्रव निकलता है जो हमारे दांतों को क्या बनाए रखता है, निरोगी बनाए रखता है, ठीक है। यदि जैसे मुंह से बदबू आ रही है या दांत खराब हो रहे हैं, है ना, तो ये ग्रामीण लोग अधिकतर करते हैं, किसी की नहीं। मैंने बबूल का भी पेड़ होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, करते कि नहीं? यस सर। उसकी दातुन करते हैं? यस सर। इसी प्रकार नीम की भी करते हैं, करते हैं? यस सर। हाँ, तो अभी अपन बात कर रहे हैं नीम के पेड़ के बारे में। तो नीम का जो पेड़ होता है इसके फल, पत्ती, छाल और जड़, इन चारों चीजों से क्या बनाया जा सकता है, औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की, ठीक है, जो आपको आगे जब आगे पढ़ाई करेंगे तब आप इसके बारे में जान पाएंगे, है ना। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये जो ऊपर पेड़ देख रहे हैं आप सभी, yes, हाँ, अभी इसमें जिसके फल हैं जिसको क्या बोलते हैं, निबोरी, क्या बोलते हैं, निबोरी, हाँ। तो अभी तो लगे नहीं हुए हैं इस मौसम में, मतलब गर्मियाँ आएंगी तब लगेंगे, है ना। अभी तो आप इसमें एक कौपल देख रहे होंगे हरी हरी, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में पता है, अपन तो समझ गए कि ये औषधीय पौधा है, लेकिन औषधीय पौधे का आपको क्या नाम पता होना चाहिए, जो सभी जगह तो अभी अपन हिंदुस्तान में है तो क्या पता है, ये नीम का पेड़ है। लेकिन अपन हिंदुस्तान के जब बाहर जाते हैं तो वो नीम के नाम से नहीं जानते, उसके वो वानस्पति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका वानस्पति के नाम किसी बच्चे को पता है क्या? अभी इसका वानस्पतिक नाम होता है एजिडी रेक्टा इंडिका। क्या होता है? हाँ, तो ये इसका वानस्पतिक नाम है, जो विश्व में कहीं भी जाएंगे आप तो इसको इसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब आपको वहाँ ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये नीम का पेड़ है, वो समझ जाएंगे कि इस पेड़ का क्या महत्व है, समझ गए आप लोग? ठीक। मैडम से देख लो, लेकिन हम एक छोटी सी बात और बताना चाह रहे हैं आपको कि नीम अपने त्वचा के रोगों के लिए खत्म करने में विशेष भूमिका निभाती है। अपने शरीर में कभी भी कोई खुजली हो, कुछ इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए अपन नीम की पत्ती को पीस के लगा लें तो उससे अपने शरीर को बहुत फायदा मिलता है और इससे हमारा रक्त भी शुद्ध होता है। त्वचा के बारे में तो उसके साथ में एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ दे रहे अपन उसमें, ये जो नीम के पत्ते होते हैं इनको गर्म पानी के साथ उबालें, ठीक है। उसका जब वो रंग निकल जाता है, अर्ग निकल जाता है उसका, तो उसके बाद उससे नहाएं, उससे एक फ़ायदा और होता है। जैसे अभी हम वर्तमान में क्या डिटॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अब, लेकिन सभी ग्रामीण वासी इसका उपयोग तो कर नहीं पाते डिटॉल वगैरह का, तो ये जो उसका अर्घ होता है उसकी डिटॉल के जैसा काम करता है, चाहे उससे आप घाव साफ कर लो, चाहे उससे नहाओ, तो माने जो अभी मैडम ने बताया कि त्वचा रोग भी उससे बिल्कुल साफ हो जाते हैं, है ना। इन्फेक्शन वगैरह जो किसी भी प्रकार के होते हैं वो कभी नहीं होते, ठीक है, निरोगी काया बनी रहती है, ठीक है।